त्योहारी सीजन शुरू होते ही बाजार में मिलावट का खेल शुरू हो जाता है। त्योहारी सीजन में तरह तरह की मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे में मोटा मुनाफा कमाने के लिए दुकानदार जमकर मिलावटखोरी करते हैं। मिलावटखोरी के इस कालाबाजारी को रोकने के लिए देहरादून में अब खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट हो गया है। ऐसे में फूड सेफ्टी विभाग मिलावटखोरों के खिलाफ जल्द ही विशेष अभियान शुरू करने जा रहा है। मिलावटखोरी के इस कालाबाजारी को रोकने के लिए देहरादून के एंट्री पॉइंट और सप्लाई पॉइंट पर निगरानी रखी जा रही है। साथ ही खाद्य पदार्थों जैसे मिठाइयां, मावा, दूध, दही, पनीर के सैंपल लेकर जांच की जा रही है। अभी ये आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए हमारा जो खाद्य सुरक्षा विभाग है, हम लोग एक तो मार्केट में जाके जो सप्लाई पॉइंट है और जो यहाँ हमारे ज़िले के एंट्री पॉइंट है उसमें हम लोग जो है सैंपलिंग करेंगे और जो भी सैंपल्स है जो जिसमें डाउटफुल प्रोडक्ट है उसमें हम अपनी लैब में जांच कराएंगे और आगे फिर उसमें खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक सर्विलांस जो है ड्राइव चलाया था जिसमें हमने मोबाइल ऐप के माध्यम से जो है सैंपल्स वगैरह जांच करे थे, तो उसमें भी हमें जहाँ जो कमियाँ मिली है उसमें हम आगे उन सैंपल्स में भी हम आगे विधिक कार्रवाई आगे कर रहे हैं। अगर त्योहारी सीजन में कोई भी मिलावटखोरी खेल करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। देहरादून से पंजाब केसरी के लिए आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।